हेलो गैंगटॉक, आज की सुबह गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आज का सफ़र गुड गैंगटॉक से शुरू करेंगे और नाथुला पास की तरफ जाएंगे, जो कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर है। तो चलते हैं वहाँ। रात को इसी होटल में हम रुके हुए थे, जो कि गैंगटॉक में है। अब यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, ये है गैंगटॉक सिटी का नज़ारा। यहाँ से पहले चलेंगे डीसी ऑफिस और वहाँ से परमिट लेना है हमें। परमिट लेकर फिर हमें नाथुला पास की तरफ जाना होगा, क्योंकि बिना परमिट के वहाँ पर हमें जाने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, हमने अपने गाड़ी के सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑलरेडी कल शाम को जो यहाँ पर एजेंट था उसको हमने दे दिया था रात को ही मोबाइल से। तो यहाँ जब आप आते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आते हैं, तो गाड़ी की सभी पेपर्स ओके चाहिए, लाइसेंस चाहिए, उसके बाद आपको डीसी ऑफिस से वहाँ जाने के लिए परमिट मिल जाएगा। तो गैंगटॉक से हम परमिट लेकर नाथुला की तरफ जा रहे हैं। सामने देखिए, मौसम पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि नाथुला पास जो है वो लगभग 13 या 14 हज़ार हाइट पर है। तो बीच में छांगू लेक बोलकर एक जगह है, वहाँ से होते हुए जाएंगे। और व्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है, पूरे मौसम बदल चुका है यहाँ का। गैंगटॉक से नाथुला की दूरी 58 किलोमीटर गूगल मैप के हिसाब से दिखा रहा है, जो कि 1 घंटा 22 या 25 मिनट का टाइमिंग दिखा रहा है। बट मौसम के हिसाब से मुझे लगता है टाइम लगेगा। रोड तो अच्छे हैं, रोड कंडीशन ठीक ही लग रहा है मुझे यहाँ पर, बट कहीं कहीं बारिश भी हुई है ऐसा लग रहा है, और मौसम का तापमान जो है काफ़ी गिरा हुआ है। तो हम नाथुला पास से बाबा हरभजन सिंह मंदिर की तरफ जाएंगे, जो कि एक खोपा बोल के एक छोटे से गांव में है। व्यूज़ वहां के काफ़ी सुंदर हैं, ये हमें पता चला है। ये रोड जो हम जा रहे हैं, इसे
नेशनल हाईवे भी है, इसलिए इसकी कंडीशन ठीक है। बट जैसे हम उस रोड पर जाएंगे तो मुझे लगता है वो रोड ऑफ रोडिंग वाला होगा, पर मन में है कि उस तरफ से ही जाना है। तो इस रोड से ना आके जब हम नीचे उतरेंगे तो उसी तरफ से उतरेंगे। मौसम काफ़ी बदल चुका है, घना कोहरा हो गया है, बराबर से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है और ओस अलग से आ रही है, वो आप लोग देख सकते हैं। बट मौसम बहुत खुशमिजाज है, अच्छा भी लग रहा है। तो सामने का दृश्य देखिए, बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रहा है, बहुत सारा धुंध यहाँ पर फैल चुका है, पर चलना ही पड़ेगा, धीरे धीरे ही पर चलना पड़ेगा। बहुत सारे पर्यटक यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें भी हैं, जैसे कि अगर आपको ठंड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या फिर रेनकोट वगैरह भी यहाँ पर मिल रहे हैं। यहीं पर हम रास्ते में एक चाय की छोटी सी दुकान नज़र आई तो हम वहाँ रुक गए, और वहाँ पर बाकी राइडर्स भी और अलग अलग जगह से आए हुए थे, तो वहाँ पर हमारी दोस्ती एक त्रिपुरा से आए हुए कॉल्फ्रो मॉन्ग बोल के उनसे हुई, तो उन्होंने भी अपने बारे में हमें बताया और हमने भी अपने चैनल को उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहा। व्यूज़ देखो दोस्तों, व्यूज़ क्या मज़ेदार नज़ारा है, पूरे पहाड़ियों में पूरी तरह धुंध फैली हुई है, एक अलग ही एक्सप्लेनेशन, कैमरे का तो पता नहीं पर आंखों से तो बहुत ही मस्त नज़र आ रहा है। दोस्तों हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बट नज़ारा मस्त है।
इन पहाड़ियों पर ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे वाटरफॉल भी नज़र आ रहे हैं जो देखने लायक हैं। दोस्तों फाइनली हम छांगू लेक के पास आ गए और ये याक है, पहाड़ी घोड़ा जिसे बोलते हैं। पीछे छांगू लेक है पर वो इतना ज़्यादा यहाँ पर कोहरा है कि नज़र ही नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि लेक जो है वो पूरी तरह जम गई है, पूरा बर्फ फ्रोजन हो चुकी है। शायद नाथुला पास आ चुका है, यहाँ पर हमारा परमिट चेक होगा, उसके बाद हमें ऊपर जाने के लिए छोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ नाथुला पास पे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, आप आराम से गैंगटॉक जा सकते हैं और गैंगटॉक से आपको वहाँ पर फोर व्हीलर या टू व्हीलर रेंट पर लेकर आप आराम से जा सकते हैं। दोस्तों हम लोग नाथुला पास पे पहुंच चुके हैं और ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद यहाँ से हमें ऊपर की तरफ चल के जाना पड़ेगा जो कुछ दूरी पर है, तो मिलिट्री वाले ने यहीं रुका लिया है और जो हमें वहाँ पर बीच में मिले थे दोस्त हमारे वो भी हमारे साथ हो लिए हैं। तो ये देखिए बर्फ़, और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे अभी से। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।